हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सेवेंथ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सोशल स्टडीज में से ज्योग्राफी सेक्शन चैप्टर नंबर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस ऑफ द अर्थ यानी कि धरती के ऊपरी भाग और अंदर के हिस्से के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आपने पिछली क्लास में जरूर मेरे साथ पढ़ा होगा कि जो अर्थ है धरती है एक ग्रह है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से और इसकी जो स्पेस से तस्वीर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है ऊपर से देखने पे हमारा अपना ग्रह तो हमें काफी हद तक नॉलेज है ज्ञान है अर्थ कैसे कैसे मूव करता है जिसकी वजह से जो उसकी रोटेशन है जो वो अपने एक्सिस पे हिलता है उसकी वजह से रात और दिन होते हैं जब वो उस इंक्लाइंड एंगल पे सन के आसपास रिवॉल्व करता है उसकी वजह से सीजन होते हैं समर सीजन विंटर सीजन तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के ऊपर जो सरफेस है और उस सरफेस के नीचे गहराइयों तक जाकर हमें क्या मिलता है जिसमें काफी सारे मिनरल्स भी होते हैं तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ अर्थ के इंटीरियर की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी धरती का जो धरती लैंड वाला पार्ट है वो तीन हिस्सों में तीन शेल्स में डिवाइडेड है जैसे एक केक की तीन लेयर्स हो सकती हैं वैसे ही धरती जिसके ऊपर हम चलते हैं उसके नीचे तीन लेयर्स हैं तो जो सबसे पहले वाली होती है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं उसके नीचे होता है मेंटल और सबसे नीचे होता है इनर मोस्ट पार्ट जिसे हम कोर बोलते हैं जो लिक्विडी फॉर्म में होता है वैसा जैसा वॉल्केनो में से बाहर निकलता है अब इसके अलावा जैसे लिथोस्फेयर मेंटल और कोर मैंने आपको बोला एक और तरीका है इसे याद करने का लिथोस्फेयर बनता है दो चीजों से जिसे हम सियाल बोलते हैं एस आई ए एल एस आई का मतलब सिलिकिन ए एल का मतलब एलमिनियम मेंटल बनता है सीमा से एस आई का मतलब सिलिकिन Ma का मतलब मैग्नीशियम और जो कोर है वो बनता है नाइफ एन आई एफ और Fe फे मतलब फेरस से इमेज में ध्यान से देखिए लिथोस्फेयर के अलावा आपको दूसरी साइड पे नाम दिखाई देगा क्रस्ट मेंटल और कोर के दो भाग एक आउटर कोर और एक इनर कोर तो जो क्रस्ट है वो आपको दिखाई देगा समुद्र के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां से जाता जाता पूरे माउंटेन्स के नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा क्रस्ट है जो जीरो से लेके हंड्रेड किलोमीटर की थिकनेस का होता है समुद्र के नीचे कम थिकनेस होती है और लैंड के नीचे ज्यादा थिकनेस होती है उसके नीचे आ जाता है हम लोगों का मेंटल का पार्ट तो एक क्रस्ट की लेयर उसके नीचे मेंटल फिर कोर होता है जो दो पार्ट्स में है आउटर और इनर कोर दूसरी साइड देखिए लीथोस्फेयर एक्जैक्टली exactly क्या होता है क्रस्ट का पार्ट उसके साथ मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा जो सॉलिड हिस्सा होता है मेंटल का उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको डिफरेंस नहीं पता क्रस्ट और लीथोस्फेयर को एक जैसे वर्ड्स में यूज करते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है लीथोस्फेयर में दो पार्ट्स आते हैं क्रस्ट और मेंटल का ऊपर वाला भाग पूरा मेंटल नहीं लेकिन अगर हम बात करें क्रस्ट वो अपने में एक लेयर है मेंटल अपने में एक है कोर अपने में क्लियर है तो चलिए सबसे पहले हम लीथोस्फेयर की ही बात कर लेते हैं जो अर्थ का रिजिड वाला सरफेस है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, जिसके ऊपर हम एग्जिस्ट करते हैं वो बनता है एस आई ए एल से सियाल सिलिकन और एल्यूमिनियम से इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 100 किलोमीटर तक की होती है और इसकी थिकनेस आप देखेंगे ओशन के नीचे वाला जो सरफेस है जो क्रस्ट है वो 4 टू 7 किलोमीटर होता है लेकिन लैंड पे या कॉन्टिनेंट पे इसकी थिकनेस ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं 35 किलोमीटर हो सकती है अगर प्लेन सरफेस है लेकिन अगर माउंटेन्स हैं तो इसकी थिकनेस और भी ज्यादा हो सकती है यानी कि 70 किलोमीटर तक जा सकती है तो ये जो अपर मोस्ट पार्ट है धरती का वो रॉक्स का बना होता है और उसके ऊपर सॉइल होता है जो आपको दिखता है आमतौर पे तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ जाता है मेंटल और मेंटल की जो थिकनेस होती है वो लीथोस्पेयर से ज्यादा होती है आप देखेंगे 2900 किलोमीटर किलोमीटर्स तक होता है ये गहरा धरती के अंदर तो इसकी भी जो थिकनेस है वो हर जगह पर सेम नहीं होती जो मेंटल है वो असल में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक ऊपर वाला हिस्सा उसे अपर मेंटल बोलते हैं और एक नीचे वाला हिस्सा उसे लोअर मेंटल बोलते हैं जो अपर मेंटल वाला हिस्सा है वो 100 किलोमीटर डीप है धरती के अंदर 100 किलोमीटर डूंगा है और वो बनता है सीमा से एस आई एम ए कहने का मतलब एस si आई जो है वो हो गया सिलिकन एम ए हो गया मैग्नीशियम और एक हिस्सा है नीचे वाला जिसे हम बोलते हैं लोअर मेंटल तो मेंटल के दो पार्ट्स हो गए अब हम चलते हैं कोर की तरफ तो जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है अर्थ का उसे हम कोर बोलते हैं और उसकी थिकनेस मेंटल से भी ज्यादा है ये कम से कम नहीं तो थ्री फोर सेवन जीरो किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है इसे भी मेंटल के तरीके से दो भागों में डिवाइड किया जाता है एक होता है आउटर कोर बाहर वाला हिस्सा और एक होता है इनर कोर जो कोर है वो दो चीजों का बनता है एन आई एफ ई नाइव से याद रखना एन आई का मतलब निकल Fe का मतलब फेरस तो ये इन दो चीजों का बनता है और ये ज्यादातर लिक्विटी होता है गरम-गरम जैसे लावा वॉल्किनों से बाहर निकलता है ये बिल्कुल वैसा होता है तो एक बार रिकैप कर लेते हैं मैंने आपको बताया लीथोस्पेयर वो बना होता है एस आई ए एल का मेंटल इट कुड बी अपर मेंटल या लोअर मेंटल वो बना होता है एस आई एम ए सीमा का और जो कोर है वो बना होता है नाइफ एन आई एफ ई निकल और फेरस का तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते रहते हैं मतलब डूंगाई में जाते हैं गहराई में जाते हैं तो जो लेयर्स हैं वो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है तो अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है वो फटने लगता है क्योंकि अंदर इतनी गर्मी होती है उसकी वजह से कहीं से क्रैक से वो बाहर आने की कोशिश करता है कहीं से जमीन को फाड़ देता है कहीं से वॉल्केनों की फॉर्म में बाहर आता है तो वो चीज जो बाहर आती है उसको हम लावा बोलते अब देखिए होता क्या है ओशन समुद्र में अगर ये बाहर आता है तो क्रैक्स के तरीके से बाहर आता है और उसके ऊपर लेयर पर लेयर डिपॉजिट होती रहती है ठंडा होता रहता है होती रहती है लेयर तो उसकी ओशन की जो सरफेस की हाइट है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है लेकिन अगर वही मोल्टन सब्सटेंस आप कह सकते हैं लैंड से बाहर निकलना है तो वो क्रैक्स के तौर से निकलना प्रेफर नहीं करता वो क्या करता है एक वॉलैनिक इप्शन करता है वॉलकैनो निकलता है जो बाद में कोनिकल शेप लेकर माउंटेन में तब्दील हो जाता है अगर आपने फ्यूजियामा माउंटेन के बारे में सुना है जो जापान में है वो एक वॉलैनिक इप्शन से बना हुआ माउंटेन है मतलब पहले अंदर से सामान निकला और वो इस शेप में आ जाता है कोनिकल शेप में और फिर माउंटेन की शेप ले लेता है तो वैसे ही जैसे हमने तीन लेयर्स पढ़ी अर्थ की अर्थ का जो क्रस्ट है जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने आपको बताया जिसके नीचे मेंटल आता है फिर कोर आता है वो जो क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके के रॉक्स और मिनरल्स का बना हुआ है तो अब हम समझने जा रहे हैं वो डिफरेंट तरीके के रॉक्स देखिए रॉक्स को आप बेसिक तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी अब ये पोरोसिटी क्या होता है अगर आप रेत देखें तो उसमें छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पानी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है होल्ड किया जा सकता है पानी को तो आप पोरस रॉक को ले सकते हैं एक तरीके से जैसे स्पॉन्ज होता है या आपका जो डस्टर होता है जिससे आप बोर्ड क्लीन करते हैं तो पोरोसिटी मतलब कितना पानी को होल्ड किया जा सकता है उसके बेसिस पे दो तरीके के रॉक्स होते हैं एक जो पोरस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा जो पोरस नहीं होते नॉन पोरस रॉक्स जैसे क्ले का जो मटेरियल होता है वो पानी होल्ड नहीं कर सकता दूसरा डिविजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्मिएबिलिटी ऑफ वॉटर फर्मिएबिलिटी का मतलब पानी जो है वो रॉक्स के अंदर से पास कर जाए मतलब आप कह सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं लेकिन वो रास्ता बना देते हैं पानी का पास होने का तो एक उसके बेसिस पे जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं पर्मिएबल जिसके अंदर से पानी इजीली पास कर सकता है और सेकंड होता है इम जो अलाउ नहीं करता कि उसके अंदर से जो पानी है वो पास करे थर्ड क्राइटेरिया है केमिकली जो रॉक्स बनती हैं तो केमिकल फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स के बेसिस पे दो कैटेगरीज होती है एक होता है एल्कलाइन रॉक्स तो एल्कलाइन रॉक्स के अंदर ज्यादा सोडियम कंटेंट होता है और दूसरी कैटेगरी होती है एसिडिक रॉक्स जिनके अंदर ज्यादा सिलिका का कंटेंट होता है इसे डिटेल में आगे समझेंगे बट ये तीन क्राइटेरिया जो हम रॉक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं इसके अलावा रॉक्स बनती कैसे है उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे भी उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है इजी है याद करना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स सेकेंड नंबर पे आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरे नंबर पे आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स तो इनको आप एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं जो कि है एस आई एम सिम या एम आई एस मिस जिसमें एक एस मिसिंग है एम से मेटामोस एस से, igneous, S से sedimentary. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में देखिए इग्नियस वर्ड जो है वो इग्नाइट गुस्सा करने से आप कह सकते हैं रिलेट कर सकते हैं इसको तो इग्नियस का मतलब होता है फायर लैटिन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है आग तो इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जिनका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और अर्थ के अंदर से निकलती हैं और फिर कूल cool हो जाती हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं बाहर आकर कूल cool हो जाती है वो जो हॉट लिक्विड बाहर आता है उसे हम एक्चुअली मैग्मा बोलते हैं अब आप बोलेंगे अभी तो आपने लावा बोला था अब ये मैग्मा क्या है देखिए एक वॉल इमेजिन कीजिए धरती के नीचे जो वो लिक्विडी फॉर्म है गर्म लिक्विड है उसको हम मैग्मा बोलते हैं यानी धरती के नीचे जो फॉर्म है लेकिन जब वो हॉट लिक्विड धरती से बाहर आ जाता है वो मोल्टन रॉक जब वो फ्लो करके बाहर आ जाता है सरफेस पे आ जाता है और वो फैल जाता है या किसी तरीके से समा जाता है धरती के ऊपर उसे हम लावा बोलते तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि इग्नियस रॉक जो धरती के अंदर से निकलती है वो दो रूप लेती है कई बार तो वो कंप्लीटली धरती के ऊपर आकर ठंडी होती है और कई बार वो धरती के अंदर ही सहम जाती है और वहीं पे ठंडी हो जाती है तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इग्नियस रॉक को एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो इन ही रह जाती है उससे इंट्रूसिव याद रखना और सेकेंड कैटेगरी है एक्सट्रूसिव जैसे एक्सट्रोवर्ट होता है जो बात कर लेता है सब लोगों से तो एक्सट्रूसिव इग्नियस बाहर आके ठंडी होती है तो इसको एक बार समझ लेते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो वाली होती हैं रॉक्स जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है अंदर धरती के अंदर ही वो बन जाता है इंट्रूसिव रॉक्स के अंदर अब वो दो कैटेगरी की आगे डिवाइडेड है सबसे पहले है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स और दूसरा होता है इग्नियस रॉक्स अब इनमें आपस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप ये कह सकते हैं कितनी गहराई पे कोई इग्नियस रॉक जो है वो ठंडी होती है उसके बेसिस पे उसे दो नाम दिए हैं सबसे पहला जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो ठंडा होता है जब हॉट मैग्मा और फिर सॉलिड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है बहुत गहराई पे उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जैसे ग्रेनाइट हो गया गैब्रो हो गया ये तरीके के पत्थर जो हमारा प्लेट्यू है रांची का या हमारे पत्थर हैं सिंगाभूम के वो असल में प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के बने हैं जो एक किस्म की आप कह सकते हैं ग्रेनाइट रॉक है और दूसरे वाला है हाइपर बेसल इसमें क्या होता है जो अंदर से मैग्मा निकलता है वो सरफेस पे नहीं आता पर वो क्रैक्स पे मतलब बहुत डूंगा जाके नहीं वो ठंडा होता वो क्रैक्स से बाहर आने की कोशिश करता है और उन क्रैक्स में ही जम जाता है यानी बहुत डेप्थ पे नहीं आपको मिलेगा थोड़ा सरफेस के पास ही ठंडा होता आपको मिलेगा तो वो क्रैक से बाहर आने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत हवा के झोंके से वो ठंडा हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं प्लूटोनिक रॉक को ज्यादा टाइम लगता है ठंडा होने को क्योंकि वो धरती के अंदर बन रही है लेकिन जो दूसरी टाइप की रॉक है हाइपर बेसिल वो ऊपर आकर कूल डाउन होती है तो वो जल्दी हो जाती है अब इसके काफी एग्जाम्पल्स होते हैं रॉक्स के हाइपर बेसिल के जैसे डाइक सिल्ट हो गया डोलेराइट हो गए अब दूसरी कैटेगरी कर रहे हैं हम इग्नियस रॉक्स की जिसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो धरती के बाहर आकर ऊपर आकर ठंडा होता है मैग्मा और फिर हम ये कह सकते हैं वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है तो होता क्या है धरती के अंदर से गरम गरम मैग्मा निकलता है और बिल्कुल आकर वो जो सॉफ्ट सरफेस है उस पर समा जाता उस पे है उसपे ठंडा हो जाता है तो उसकी वजह से जो वहां पत्थर बनते हैं जो रॉक्स बनते हैं उन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं जैसे हम लोगों का डेकन प्लेट्यू जो है वो वॉलकैनिक इरप्शन से नहीं बना एक तरीके के क्रैक से बाहर आकर इग्नियस रॉक्स जब लेयर्स में डिपॉजिट हो गई तो हम लोगों का डेकन प्लेट्यू बना इसीलिए वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का बना हुआ है तो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो ज्यादातर आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगी और उनकी लेयर्स नहीं होती क्योंकि वो ठंडी हो रही है ना जैसे बर्फ होता है क्रिस्टल टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर में मिलती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये असल रॉक्स हैं जो धरती के अंदर से जो सामान निकलता है उनसे बनती है क्योंकि ये इतना गर्म होता है तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेशन रिमेन्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते और ये इग्नियस रॉक्स ने हमारे अर्थ के क्रस्ट को काफी हद तक कवर किया ऑलमोस्ट टू थर्ड पार्ट उसने कवर किया हुआ है नेक्स्ट टाइप की जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक तो ये क्या होता है लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा पानी हवा नदियां और जो मैटर जो समान डिपॉजिट होता रहता है लैंड के ऊपर सेडिमेंट्स में वो फिर पत्थर में तब्दील हो जाता है तो अगर ये थोड़ी कम हाइट के एरिया पे डिपॉजिट हो रहा है जैसे ओशन के फ्लोर पे या समुद्र के फ्लोर पे डिपॉजिट हो रहा है लेक्स पे भी डिपॉजिट हो सकता है रिवर्स पे भी डिपॉजिट हो सकता है जो कॉन्टिनेंट के आसपास होते हैं तो जहां उनको थोड़ा सा सरफेस नीचे की तरफ को मिलता है वो वहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं अपनी लेयर्स को। तो जो प्रोसेस है जब वो डिपॉजिट होते हैं एक साल नहीं लगता इसको मिलियन सालों साल लग जाते हैं पहले लेयर्स को डिपॉजिट होने में फिर उस लेयर्स को पत्थर में तब्दील होने में तो आप ये कह सकते हैं उसके ऊपर प्रेशर बनता है मैकेनिकल प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं कई बार केमिकल एक्शन लगता है जिससे वो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी की रॉक्स पे जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं जो मेटामोर्फिक है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटा का मतलब चेंज होना मार्फ का मतलब होता है फॉर्म जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है मतलब किसी किस्म की रॉक थी टेम्परेचर या प्रेशर के बदलाव में आकर उसने अपने आप को चेंज कर लिया तो आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बदलाव में आकर इग्नियस रॉक अगर अपने आप को बदलती है तो वो मेटामोर्फिक में बदल जाएगी वैसे ही सेडिमेंट्री भी अगर अपने आप को बदलती है तो वो मेटामोर्फिक में बदल जाएगी तो ये जब अपना स्ट्रक्चर फॉर्म हार्डनेस काफी चीजें चेंज करते हैं जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इस किस्म की रॉक्स जो चेंज होके बनती है उन्हें हम मेटामोर्फिक रॉक्स बोलते हैं आपको टेबल पे दिखाई दे जाएगा कुछ ओरिजिनल इग्नियस रॉक्स थी माइका जो चेंज हो गई शिस्ट के अंदर जो एक मेटामोर्फिक रॉक है ग्रेनाइट चेंज हो गई नाइस्ट के अंदर बिटुमिनस कोल जो है वो चेंज हो गया एंथ्रासाइट के अंदर Row, जो इग्नियस रॉक है वो तब्दील हो गई अंडर टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस के अंदर सरफेस टीम के अंदर वैसे ही कुछ ओरिजिनल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो मेटामोर्फिक रॉक्स में बदल गई जैसे कि सैंडस्टोन बदल गया क्वार्टजाइट के अंदर लाइमस्टोन मार्बल के अंदर शेल स्लेट के अंदर स्लेट फाइलाइट के अंदर और पीट कोल के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटामोर्फिक रॉक्स हैं वो अपना फॉर्म ले सकती हैं इग्नियस रॉक से बट उनके काफी सारे ट्रेड्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स जैसे होंगे मतलब पेरेंट रॉक जैसे होंगे और वैसे ही अगर वो सेडेमेंट्री रॉक से चेंज होती है तो काफी ट्रेड्स उनके ओरिजिनल सेडेमेंट्री रॉक्स जैसे होते हैं तो हमारी जो ऊपर वाली लेयर है टॉपमोस्ट लेर है अर्थ के सरफेस की वो रॉक मटेरियल की बनी हुई है और जब रॉक डिस हो जाता है टूट जाता है काफी साल लगते हैं तो वो सॉइल का फॉर्म ले लेता है तो ये थी आज की क्लास पर जाने से पहले मैं आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ उसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कौन सी तीन टाइप्स की रॉक्स होती हैं एंड सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी जो अर्थ है उसकी तीन कौन कौन से शेल्स हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का पार्ट करेंगे इस चैप्टर का थैंक यू बाय बाय